हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जब मैं विश्व के सम्मेलनों में जाता हूं, संसदीय सम्मेलन में, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत सबसे मजबूत और निर्णायक लोकतंत्र देश भी है और हमारी संसद की मर्यादा भी सबसे ऊपर है। हमारा सबका लाइव होता है और बार बार भी इस बात को इसलिए अंकित करता हूं कि भारत की संसद से देश की संसद को दिशा दे सकें और ये मर्यादा हम सब कायम रखें। मैं आपका संरक्षक हूं, जो कुछ भी विषय हुआ है मैं हमेशा ये अपेक्षा करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य न तो बाएं चढ़ा कर आए, ये कोई न कोई तीखा बोले। तल्ख टिप्पणियां बहुत हुई है, तल्ख राजनीति टिप्पणी होना चाहिए लेकिन मर्यादित तरीके से। मर्यादा का ध्यान हम सबको रखेंगे, सदन की मर्यादा रहेगी, सभापति की मर्यादा रखोगी तो संसद की मर्यादा रखेगी। आप निश्चित रहें, भी मेरे ध्यान में आया है, मैं पुनः बैठकर यह अपेक्षा करूंगा कि इस विषय पर आपको न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा और सदन की कार्रवाई आगे बढ़े जा सकते। आइटम नंबर 15 सी रविशंकर प्रसाद जी। सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सर आई इंट्रोड्यूस द बिल। सुगत राय जी। सर, आई हैव मूव द ऑपोजिशन टू दिस बिल विच इज कॉल्ड द 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सर, ये बिल में हमारा संविधान होने के समय दो 333 और 334 था, जहां पर एंग्लो इंडियंस के लिए संरक्षण रखा गया था वो बंद किया जा रहा है। जो अंबेडकर साहब किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, आज सरकार को अचानक ध्यान में आया कि इसको एबॉलिश करना चाहिए। एंग्लो इंडियंस का जो 2 सीट लोकसभा में होता है और 9 सीट विधानसभा में होता है उसको नहीं रहना चाहिए। जो 334 में है कि 70 साल तक एंग्लो इंडियन को भी छुटकारा मिले उसको एबॉलिश किया जा रहा है। इसलिए सर, आई हैव गिवन ए नोटिस अपोजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर रूल 72(1) ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्योर। आई बेग टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 126 बिल 2019 ड्यू टू इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। दिस बिल इज इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 विच प्रोवाइड विच टॉक्स ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड विच प्रोवाइड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड रिक्वायर्स ए क्लासिफिकेशन टू बी बेस्ड ऑन सम रियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। द करेंट बिल एक्सटेंड्स डिफरेंट ट्रीटमेंट टू वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, नेमली एससी एंड एसटी, एससी एसटी एंड एंग्लो इंडियंस, बोथ हैड रिजर्वेशन अंडर 334। दिस डिफरेंस इज बीइंग एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरली विदाउट रिलाइंग ऑन एनी रियल फैक्ट्स और डाटा। द बिल इज ऑल्सो एन अटैक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एज इट डिप्राइव द स्टेट्स ऑफ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये 70 साल जो चला है, आज एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन आप रातों रात एबॉलिश कर देंगे, ये सही नहीं होगा, ये जायज नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। तो मैं मंत्री को कहूंगा कि इसको विथड्रॉ कर लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने जो रिजर्वेशन दिया था एंग्लो इंडियन के लिए, छोटा माइनॉरिटी है वो रखना चाहिए। ये मैं बोल तो
आपको इजाजत नहीं दी है। नो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर, मैं बहुत विनम्रता से माननीय प्रोफेसर रॉय को बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से इस देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। उसको 10 साल आगे बढ़ाने का हम संशोधन लेकर के आए। जहां तक एंग्लो इंडियन का सवाल है सर, इसलिए हम लेकर के आए हैं कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यह अधिकार मिलना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। वो नॉमिनेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को समझना चाहिए। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिए हम लाए हैं। अब वो इसका विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन ये सब मेरिट का विषय है सर। जहां तक एंग्लो इंडियन का सवाल है सर, वो मैं विस्तार से उत्तर में बताऊंगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन है, सिर्फ 296। तो सर, लेकिन हम इस सदन को बताना चाहेंगे सर, इस सदन को बताना चाहेंगे कि हमने इस पर विचार बंद नहीं किया, यह स्पष्ट कहना चाहते हैं। तो इसलिए यह पूरी चिंता जो की जा रही है ये अपने आप में उचित नहीं है। तीसरी बात सर, कि सदन में किसी बिल को रोकना या नहीं रोकने के पूरी परंपरा स्थापित है। एंड व्हाट इज दैट? द हाउस मस्ट नॉट हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एंड द बिल शुड बी पैल्पेबली अगेंस्ट एनी फंडामेंटल राइट्स। व्हेन दीज मैटर्स विल बी रेज्ड, व्हेन आई प्रपोज द बिल, वी डिस्कस इट, ही रेजेस, आई विल रिप्लाई टू इट। बट हाउ दिस कैन बिकम, दिस हाउस सॉवरेन हाउस डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंस। आई फील प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती, इस पर इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती। एक मिनट मैं बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट बोले। मेरा यह कहना है मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा। नहीं नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ, मैंने भी पहले कहा था, मैं कई बार मौका देता हूं, आप बिल पर जब डिबेट होगी तो आपकी जितनी चर्चा जितने सदस्य मानना बोलना चाहेंगे सब सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। इसमें आपको अधिकार है, आप इसमें मत विभाजन भी करा सकते हैं पारित होने के विधेयक पूरे स्थापित पे। तो अपना विषय संक्षिप्त में रख दें, बाकी बिल डिटेल पर रख देना। सर, दादा आपको याद नहीं दी अभी, आपको नहीं अभी उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितनी है सर? ये व्यवस्था का प्रश्न है। कौन सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नियम अंडर रूल 72(1). एक मिनट दादा, अभी व्यवस्था दे रहा हूँ। अभी सर आप की व्यवस्था, अभी को मौका दिया मैं। मंत्री जो बता, अधीर रंजन जी सर, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यही मैं कह रही हूँ, वी डू एक अधीर, आपको मैं मौका दूंगा, पहले इनको मौका दूंगा। हाँ, बट ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर आई एम सेइंग दैट व्हाट द होम मिनिस्टर सेड इज नॉट राइट। ए पर्सन में अपोज द बिल पर से, ही मस्ट गिव सम रीजन्स फॉर अपोजिंग द बिल। ओनली इफ ए सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व व्हेन द जुडिशिक्शन ऑफ द हाउस इज कॉल्ड इन टू क्वेश्चन, फुल डिस्कशन विल बी कॉल्ड फॉर। बट आई कैन अपोज ए बिल पर से विदाउट एनी डिटेल। सो व्हाट द होम मिनिस्टर इज सेइंग इज नॉट राइट। He is giving a wrong interpretation of the rules of the house. He is giving a wrong interpretation. Maybe he is new. 72(1) स्पष्ट है, ये नया है हाउस विधेयक, चर्चा आज ही चर्चा है विधेयक पर, चर्चा होगी, सब लोग नए है, ये मत रख सकते, विरोध भी कर सकते। अभी उनकी विधायी क्षमता जानकारी में कमी है, विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। अधीर रंजन जी एक मिनट दीजिए। नहीं नहीं, मेरा है ना, आप तो पूरा भाषण सर, मैं सर कुछ वक्त पहले सर, अरे आप कुछ नहीं जानते, बेकार रुकते हो। वेरी क्लियर, इफ इट इज आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, बेकार बोलते हो। इट इज विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। 72(1) सेल, इफ द मोशन टू लीव इंट्रोड्यूस द बिल इज अपोज्ड, स्पीकर इफ ही थिंक्स फिट आफ्टर परमिटिंग द ब्रीफ। सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप? क्वेश्चन ये क्या हो रहा है? हु नॉट द मेंशन में विदाउट फर्दर
motion. Sir, सुनिए सर, provided that where motion is opposed on the ground that bill initiate the legend outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full. ये outside the permission क्या है सर? इसको तो पूरा debate कर रहे हो. इसको तो सिर्फ intervention होना या नहीं होना इतना ही होना चाहिए सर. If it is out of the legislative competence, then let him say that. जी मंत्री जी, माननीय please आप सब बैठ जाएं. हाँ माननीय, देखो माननीय सदस्यगण, एक मिनट बैठे, एक मिनट देखे, एक मिनट. हाँ दूंगा, एक सबको दूंगा, सबको मौका दूंगा. आप जितना बोलना चाहें सबको मौका दूंगा. मैं कह रहा हूं कि नियम प्रक्रिया एक बना रखी है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से आपकी उसकी विषय के लिए मैं हमेशा आपको मौका देता हूं. कभी मैंने मौका देना नहीं किया. आप पॉइंटेड बात कर दें, अगर पॉइंटेड बात नहीं बोलेंगे तो फिर पॉइंट आपको पूरे स्तर पर पूरा जवाब भी सुनना पड़ेगा. कोई माननीय मंत्री जी का ये भी सुन ले फिर. हाँ फिर आप इस जितना विषय बोलेंगे उतनी देर जवाब भी सुनना पड़ेगा, ये भी विचार कर लें. एक सर प्लीज बोले, क्या हो रहा है सर? ये अधीर रंजन जी, अधीर रंजन for the past 10 years, more than 10 years, the Sri Lankan Tamils, they are Christians are there, Muslims are there, other people are there, saying more than 10 years. So some deficiency should be corrected by the Home Minister. That is my माननीय अध्यक्ष जी, फिर से मेरी डिफरेंट चर्चा हो रहा है. मेरा अपोजिट कहना है, वी आर अपोजिट द मूवमेंट. सदन की विधायी क्षमता पर ही अभी चर्चा हो सकती है कि सदन के पास अधिकार है या नहीं है कि इस बिल पर चर्चा हाथ में ले. ये जो कह रहे हैं श्रीमान बालू जी, अधीर रंजन जी, वो मेरिट्स में जा रहे हैं. जब डिस्कशन होगा मैं विधेयक पर चर्चा शुरू करूंगा. मुझे सुनने के बाद उनको भी बोलने का मौका मिलेगा. सब लोग अपना पक्ष रखें, मैं जवाब भी दूंगा. उसके बाद में सदन निर्णय करेगा. मुझे लगता है कि पुरस्थापित करने की समय पर ये सारी चीजों की